जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। तो जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी अबाउट डे वन एट SSB, हाउ टू गेट स्क्रीन इन, उस पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिले दैट सर प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो मैं आज आप सभी के साथ अपना डे वन का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ऑल दो इन टोटल आई हैव अपियर्ड फॉर SSB 6 टाइम्स। तो मैं आपके साथ अपनी सबसे पहली वाली SSB का स्क्रीनिंग टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड इन दैट माई SSB सेंटर वॉज अलाहाबाद। तो 11 SSB इलाहाबाद अलॉट हुआ था मुझे। टेक्निकल एंट्री स्कीम 38 वॉज द कोर्स फॉर विच आई वेंट देयर। एंड जो डेट थी मेरी वो थी 10th ऑफ अगस्त 2017। आई रिमेंबर ऑल दिस डेटा क्योंकि जो पहली SSB थी वो बहुत ही स्पेशल थी मेरे लिए। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा भरोसा था कि मैं तो सेलेक्ट हो ही जाऊँगा पक्का ही। मतलब आई यूज़ टू फील कि मेरे अंदर तो सारी OLQs हैं, और मैंने चैनल्स के थ्रू वीडियोस देख के ऐसे ही बहुत सारी प्रिपरेशन की थी और बहुत लोगों से बात की थी थ्रू माई सम सीनियर्स और यूट्यूब और इन सब से ही जो भी मुझे नॉलेज थी। तो मुझे लगा था कि ठीक है, इट्स ऑल अबाउट OLQs। तो 16 OLQs होती हैं, वो आपको गूगल पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। आई थॉट हाँ, ये चीज़ें तो मेरे अंदर हैं। आई वॉज नॉट हैविंग आइडिया दैट वॉट एक्चुअली इट मीन्स टू हैव OLQs। देखो OLQs होना और उसको डिस्प्ले कैसे करना होता है, या फिर जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो कैसे निखर के आती हैं, और अगर किसी के अंदर OLQs नहीं है तो उनको डेवलप कैसे करना होता, मुझे इन सब चीज़ों का कोई भी आइडिया नहीं था। लिटरली कोई भी आइडिया नहीं था। आई जस्ट यूज़ टू थिंक कि मैं एज अ पर्सन आई एम डूइंग वेल इन लाइफ एंड आई जस्ट डिजर्व टू गेट सेलेक्टेड एंड बिकम एन ऑफिसर इन द आर्मी। तो मुझे बस मैंने खुद को ही मतलब खुद से रिकमेंड कर लिया था खुद को। बट वेन आई वेंट देयर तो डे वन पे सिंपली जो सारी चीज़ें होती हैं कि यू रिपोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग और आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन ब्रेकफास्ट ये सब होता है, तो PPDT होता है सबसे पहले। तो PPDT में क्या हुआ कि टोटल ऑफ 260 सम प्लस कैंडिडेट्स रिपोर्टेड, और जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहले OIR आ रहा है, तो OIR टेस्ट की मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी। आई डिड फेयरली वेल इन दैट, तो OIR तो अच्छा गया मेरा। उसके बाद जो पिक्चर शो की गई थी मुझे, इट वॉज लाइक कि एक आदमी है कोई, वो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसमें ऐसे रहा, ऐसी कोई पिक्चर थी एंड ही लुक वेरी ओल्ड। ओके, और उसके थोड़ा सा दूर पे एक और आदमी खड़ा था एंड ही वॉज लुकिंग एट द न्यूज़पेपर। बस यही थी पिक्चर कि एक आदमी ऐसे चेयर पे बैठा हुआ है, ही सिटिंग एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग एट द न्यूज़, आई मीन ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, और एक दूसरा इंसान है जो थोड़े डिस्टेंस पे है, ही इज़ ऑल्सो लुकिंग एट इट। तो मेरे दिमाग में सिंपल सी थीम्स तो खैर बहुत सारी आ गई थी कि ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग का नॉर्मल सी थीम आई, मतलब कुछ मैंने कुछ आउट ऑफ द ब्लू करने की नहीं सोची। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है एंड सम वन इज़ लुकिंग एट इट। मैंने बहुत ही सिंपल सी स्टोरी बना दी कि बिफोर गोइंग टू ऑफिस देर इज़ अ मैन हु हैज़ डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, तो वो देख रहा है, बट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इज इज एल्डर सन, और वो स्पोर्ट्स का बड़ा इंथुजियास्ट है, तो ही इज़ लुकिंग एट द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर। तो उसको पता चलता है कि अभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है कुछ ऐसे ही, एंड अकॉर्डिंगली ही जस्ट प्लान्स कि वर्ल्ड कप देखना है मुझे, आई कैन नॉट मिस द वर्ल्ड कप, सो हाउ शुड आई प्लान माई एक्टिविटीज़ एज हिज एग्जाम्स वॉज ऑल्सो कमिंग। तो ऐसा हो रहा था कि मार्च के मंथ में वर्ल्ड कप हो रहा था और मार्च के टाइम एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो कुछ ऐसी स्टोरी थी। मतलब ओके ओके थी, इट वॉज नॉट समथिंग, ऑल द पिक्चर वॉज ऑल्सो न्यूट्रल। तो उस पिक्चर में मैं कुछ बहुत अलग करना, खैर करना होता भी नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं ऐसा। आई मेड अ सिंपल स्टोरी एंड आई नरेटेड माई स्टोरी वेरी वेल। तो 1 ही मिनट का टाइम मिलता है, सो एयर इज़ अ टिप फॉर यू ऑल। तो जब भी आपको नरेट करने के लिए स्टोरी बोला जाता है ना, कि तो आप ना SSS की तरफ मत देखा करो। आप स्टोरी जब नरेट करते हो तो अपने ग्रुप मेंबर्स को देखते हुए उनको एड्रेस किया करो। इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू नो मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर ग्रुप मेंबर्स वाइल एड्रेसिंग दी स्टोरी, वाइल नरेटिंग दी स्टोरी यू एड्रेस देम, नॉट दी SSS। तो आप SSS की तरफ मत देखो, जो ऑफिसर बैठा है उसकी तरफ देखोगे आप तो नर्वस हो जाओगे। उससे अच्छा है कि आप अपने ग्रुप की तरफ सबको देख देख के अपनी स्टोरी नरेट करो, एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज इट विल यू नो इंस्टिल सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इन द अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप दैट ओके दिस गाय इज़ लुकिंग वेल प्रिपेयर्ड, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये अच्छा करेगा। और एक चीज़ और बता दो कि तब मेरी स्पीकिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी, आई वॉज नॉट रियली गुड बिकॉज बींग अ स्टूडेंट ऑफ KV, आप सबको पता है कि KV में कैसा इन्वायरमेंट होता है। अगर आप शुरू करते हो इंग्लिश बोलना तो वही कि भाई ये तो अंग्रेज और ये सब समझ रहे हो, तो यही सारी चीज़ें होती थी। सो इट वॉज एज
सिंपल एज दैट कि मैंने बहुत ट्राई किया कि स्कूल में बोल के मैं इम्प्रूव कर लूँ, घर पे बोल के, बट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. बट एक टाइम आता है जब आप रियलाइज कर लेते हो कि देर इज़ नो अदर वे, यू हैव टू डू इट, तब आप एक अच्छी हैबिट डेवलप करना शुरू करते हो. तो वही होता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, बट आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड विद टाइम, एज आई हैव सजेस्टेड यू ऑल कि आप इंग्लिश में चीज़ें देखो, इंग्लिश में चीज़ें पढ़ो, विद टाइम यू विल इम्प्रूव, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव. ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान इम्प्रूव नहीं कर सकता विद प्रैक्टिस. तो उसके बाद मैंने अच्छी से स्टोरी नरेट की, सॉरी. सो आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है. बट जब ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ तो क्या था कि यूपी बोर्ड के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स थे मेरे ग्रुप में थे, सो फ्यू ऑफ देम वर रियली गुड. जो अच्छा बोल रहे थे वो बहुत ही अच्छा बोल रहे थे, बट कुछ उनमें बहुत ज़्यादा नर्वस थे. उसके बाद जो कुछ कैंडिडेट्स थे जो कि पहली बार SSB आए थे, ऑल्दो मैं भी पहली बार ही गया था, बट आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट. कुछ लोग थे वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, कुछ थे बहुत ही अच्छे थे. तो ऐसा पता हो गया था ग्रुप के आइडिया से कि इस ग्रुप में आई गेट सेलेक्टेड इफ़ आई सी माई सेल्फ इन दिस ग्रुप, तो मैंने अच्छा किया है एंड आई गेट इन, ये मेरे को कॉन्फिडेंस था. सो आफ्टर दैट लंच हुआ और उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद रिजल्ट्स आए, सो आई गॉट स्क्रीन्ड इन. तो मेरी जो पहली SSB थी वो बहुत स्पेशल थी, बिकॉज मेरा जो क्लासमेट था ही वॉज विद मी एंड हम दोनों के फादर सेम रेजिमेंट में थे, सो इवन टुडे इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो ये SSB स्पेशल थी, हम दोनों स्क्रीन इन हो गए एंड इट वॉज अ वंडरफुल डे फॉर मी एंड फॉर माई फ्रेंड आकाश ऑल्सो. तो ये वो पिक्चर है, मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, ये पहले SSB के पिक्चर है एंड लेटर ऑन ही गॉट रिकमेंडेड ऑल्सो. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी स्पेशल, बिकॉज वो हमारी पहली SSB थी, वी बोथ वर ट्राइंग टू यू नो फाइटिंग फॉर द सेम गोल एंड माई फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो. वही थोड़ा मुझे दुख भी बहुत हुआ था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि भाई मैं रिजेक्ट कैसे हो गया. ठीक है, सो सम पार्ट ऑफ मी वॉज हैप्पी फॉर हिम, बट वो था कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं रिजेक्ट कैसे हो गया, मैं कॉन्फ्रेंस आउट कैसे हो गया. सो इन सम अदर वीडियो आई टेल यू अबाउट हाउ माई फर्स्ट SSB वेंट इन डिटेल, बट ये वीडियो सिर्फ PPDT की थी. सो आई होप यू लर्न समथिंग दैट इफ़ यू प्रैक्टिस वेल इनफ क्वेश्चन ऑफ OIR टेस्ट, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. उसके बाद स्टोरी में कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जो वो दिख रहा है उसके हिसाब से आप सिंपल सी स्टोरी लिखो एंड यू नरेट इट वेल. ग्रुप डिस्कशन में आप 2 से 3 बार भी पार्ट लेते हो, इट्स मोर देन इनफ, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब भी आप बोलो तो लोग आपको सुन रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ से मेरी SSB जर्नी शुरू हुई थी, बट आई हैड वन बिलीव इन माई सेल्फ कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, वन डे आई विल क्लियर दी SSB एंड आई विल मेक इट. तो मेरी जर्नी लगभग 1 साल की हो गई थी. आई गॉट रिकमेंडेड इन माई 6th अटैम्प्ट, जो अगस्त के मंथ में ही, विद द सेम बोर्ड, बाय द सेम बोर्ड, एग्जैक्ट सेम बोर्ड, 11 SSB इलाहाबाद. तो ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा. सो थिंग्स डू चेंज इफ़ यू विश टू एंड आई होप यू लर्न समथिंग. जय हिंद एंड थैंक यू.